Good afternoon all. Good afternoon. How are you all? कैसे हो आप सब लोग? हेलो राम, हेलो वैशाली, हेलो प्रियांशु, हेलो अंशिका, हेलो कृष्णा. नाइस टू सी यू ऑल हियर. वंडरफुल. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. अ वेरी गुड आफ्टरनून इन फैक्ट. ओके फाइन. सो जल्दी से ज्वाइन कर लो आप सब लोग. ठीक है, तो अभी हम 3 बजे नीट 2020 का तुरंत क्या बोलते हैं उसको, नीट 2020 का हम सिलेबस करते हैं. तो ऑब्वियसली हम आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो लास्ट बचा हुआ है हमारा, है ना, नॉन आपके कॉरिटा का एव्स एंड मैमल्स. तो वो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, वंडरफुल. सो गाइस ज्वाइन एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट. ठीक है, ओके. आज एक और नया चीज़ जो मैं ले आई हूँ वो है, जितना भी हमने एनिमल किंगडम का पढ़ा है उसका मैंने एनसीईआरटी का भी लाया है पिक्चर्स. ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स के पेजेस लाए हैं हमने, तो हम वहाँ भी एक बार देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. ठीक है, तो दोनों हम साइड बाय साइड करेंगे. वंडरफुल. चलो तो आगे बढ़ते हैं. जब तक लोग आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल में, दैट इज नीट वॉयज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. और मैं हूँ स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ JRF इन IISc बैंगलोर, जूनियर रिसर्च फेलो. आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट फॉर AFMC, फॉर मेजर MBBS कॉलेजेस इन इंडिया एंड ऑल्सो इन आईसर पुणे. वंडरफुल. सो आपको पता है कि स्पेशल क्लासेस शुरू हो गई है. ठीक है, और अब मेंटी भी हम ले रहे हैं ना, हफ्ते में 2 दिन मेंटी होता है. लास्ट वीक को हमने कब कब मेंटी लिया था, मंडे एंड फ्राइडे, राइट, फ्राइडे और मंडे इस बार लिया था. फिर से मेंटी होगा आपका इस फ्राइडे, तो ध्यान रखना. जो लोग अभी हैं मैं उनको बता देती हूँ कि मेंटी होने वाला है आपका इस फ्राइडे को. टाइमिंग वगैरह मैं इसके एंड में बता दूंगी, जब हम लोग ये अभी जो सेशन चल रहा है सेशन के एंड में मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी टाइम क्या है एंड टॉपिक भी दोनों बता दूंगी. ओके, दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि लाइव क्लासेस हम स्पेशल कोर्सेज भी ले रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप में. ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो. ठीक है, मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम ABO ब्लड ग्रुपिंग का मैंने वहाँ पढ़ाया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एरर्स क्या होते हैं वो भी मैंने वहाँ पढ़ाया था. ठीक है, तो आज आपका एक और स्पेशल क्लास है 5 बजे. ठीक है, सो 5 o'clock गाइज आपका एक स्पेशल क्लास होगा ऊजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ठीक है, ऊजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का आज मैं स्पेशल क्लास लूंगी 5 बजे ऐप में. ठीक है, तो सारे के सारे आ जाना, आपको दिख जाएगा जैसे आप मेरे ऐप में जाओगे. आप लोग ऑलरेडी शायद ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे. ठीक है, तो मेरा क्लास शेड्यूल दिखाएगा, 5 बजे शुरू होने वाला है, तो आप लोग आ जाना. ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था 12th के सिलेबस का, स्पर्मेटोजेनेसिस था. ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जब तक लोग आ रहे हैं तो सबके सब ध्यान से सुन लो. ठीक है, तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके थे, हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी देख लिया था लास्ट क्लास में ट्यूजडे को, है ना. तो आज हम ऊजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में. ठीक है, बढ़िया, वंडरफुल. और उसके तुरंत ही बाद 7 बजे उसका ही कंटिन्यूएशन चलेगा आपके यूट्यूब पे. क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे हम एंड मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आज हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ गैमिटोजेनेसिस खत्म होने वाला है आज पूरे दिन में. ठीक है, और कल होगी आपकी मेंटी. मैं फिर से दोबारा ये सब रिपीट कर दूंगी आज का जो भी स्केड्यूल है, ताकि आपको ध्यान आ जाए. ठीक है, ओके. तो ऑब्वियसली आपको फायदे पता ही है कि क्यों आने हैं आपको, है ना, स्पेशल कोर्सेज के लिए क्यों आना है. ऑब्वियसली लाइव क्लासेस चलती है, तो मैं भी आज लाइव क्लासेस ही क्लास लूंगी 5 बजे. ठीक है, वहां बेहतरीन तरीके से आप और समझ सकते हो. बेटा क्या होता है कि यहाँ पे मुझे हर बार आपका कमेंट्स नहीं दिख रहा होता है, वहां पे मुझे सामने स्क्रीन में दिखता होता है. और वहां पे 2 अलग अलग कॉलम्स होती है, एक चैट बॉक्स होती है और एक आपकी क्वेश्चन वाली बॉक्स होती है, जहाँ पे अपने क्वेश्चन आप टाइप करके रख सकते हो. और मैं वो ओपन करके पर्टिकुलरली आपके नाम से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका तुरंत मैं आपको आंसर कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये एक फायदेमंद वाली चीज है, तो आप आ सकते हो उसमें. ठीक है, और वही मैं बोल रही थी कि इससे आप इंटरेक्शन बेटर होता है, आप 1-to-1 इंटरेक्शन, बेटा ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, एक एजुकेटर के साथ इतना 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं मिलता है. तो प्लीज स्पेशल क्लास में आया करो, आपको ही, आपके लिए वो अच्छा होता है. ठीक है, और ऑब्वियसली आपको लीडर बोर्ड्स वगैरह मिलती है ना, जैसे हम मेंटी क्विज का करते हैं, वहाँ भी हम लोग ऐसे क्वेश्चनर कभी कभी करते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे कि कब करते हैं. टेस्ट सीरीज होती है, आप उसे एनालाइज कर सकते हो. ठीक है,
और ऑब्वियसली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ये बहुत बेहतरीन है, वहाँ लाइव तुरंत के तुरंत हम डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी, परफेक्ट, ओके। तो ये हमारे कुछ बेहतरीन एजुकेटर्स हैं जो ऑलरेडी अनअकैडमी के ऐप में है और ऑलरेडी सब जगह यूट्यूब में भी पढ़ाते हैं वो, कोर्स स्पेशल कोर्सेस भी चल रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आ सकते हो देखने के लिए। और अगर आपको प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन करना है, नॉर्मली दोनों कोर्सेज के लिए जस्ट हैव टू फॉलो द सेम मेथड जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यान अकेडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया वहाँ पे आप अगर स्पेशल क्लास, देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, प्लस, फ्री कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस, तो ये स्पेशल क्लासेस फ्री कोर्सेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस वाला जो अगर आपको करना है, प्लस वाले के लिए यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी है, ज़्यादा नहीं है, कितना है, बहुत अफोर्डेबल है इनफैक्ट, जस्ट यू नो 2500 पर मंथ आपको देना है अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, टू ईयर्स की अगर आप ले रहे हो तो इससे और कम हो जाएगा, 1500 पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी अगर आपको कम करना है तो आप ये स्वागता जो मेरा नाम है SWAGATA, इस कोड को आप अप्लाई कीजिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ऐप में भी हम लोग हैं, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ऐप वाला जो ग्रुप है, ठीक है, तो आप यू जस्ट हैव टू टाइप दिस थिंग, जैसे आपको आप ये वाला लिंक वहाँ पे क्लिक करोगे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यू कैन ज्वाइन, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर एक क्लास की, ठीक है। तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट, ओके। तो आज हम NCERT भी डिकोड करेंगे, कोर डेटा का जितना भी NCERT में क्या क्या पॉइंट्स लिखा है और आपको पता है एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो भी हम जल्दी से देख लेंगे, उसमें अगर कुछ छूट गया हो तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। तो बढ़िया हो गया, आपका NCERT भी अच्छे से हो जाएगा, आप आराम से आप एनिमल किंगडम का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एनिमल किंगडम पे भी मैं एक मिनटी लेने वाली हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कब, फिलहाल कल आपकी एक मिनटी है, उसका टॉपिक कुछ और है, मैं एंड में आपको बता दूंगी, ठीक है, लेक्चर के एंड में। तो चलो, रेप्टिलिया तक वी ऑलरेडी लर्न, राइट, रेप्टिलिया तक हम सब कुछ पढ़ चुके थे, अब हमें एव्स का पढ़ना है, ठीक है। तो एव्स का ऑब्वियसली, एव्स मतलब सारे के सारे जितने फेदर्ड बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एव्स में आते हैं, ठीक है, क्लास एव्स में आते हैं। तो वो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, दैट दे आर होमियोथर्मिक। मैंने आपको बताया था होमियोथर्मिक को एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वार्म ब्लडेड, ठीक है। अब तक हम रेप्टिलिया तक क्या पढ़ा था हमने, पोइकिलोथर्मिक, है ना, पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। तो एव्स पहला है, पहला क्लास है जो वार्म ब्लडेड है, ठीक है, और ये वार्म ब्लडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई, वो उड़ते हैं, ठीक है, तो उड़ने के लिए अगर उनकी बॉडी टेम्परेचर लो हुई तो वो सफिशियंट नहीं है। वार्म ब्लडेडनेस, रेस्पिरेशन, वार्म ब्लडेडनेस, ये सब बहुत मतलब सही होता है, एफिशियंट होता है टू फ्लाई इन एट सच अ हाई लेवल एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, हमें ये पता है, हमने याद है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि दो सुपर क्लासेस है, एक पाइसीज है और एक टेट्रापोडा है। पाइसीज जो होती है उसमें सारे फिशेस आते हैं क्योंकि उसमें लिम्स नहीं होते, उनके पास क्या होती है, फिन्स होती है ना, तैरने के लिए, स्विम करने के लिए दे हैव फिन्स, बट दे डोंट हैव लिम्स, राइट, उनके पास हाथ पैर प्रॉपर लोब्यूलर फिन्स नहीं होते। तो टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, आपका एव्स आ गया, टेट्रापोडा में मैमल्स आ गए, रेप्टीलिया आ गया, एम्फीबिया आ गया, मतलब इन चारों के पास चार लिम्स हैं, टू पेयर्स, राइट, टू फोर लिम्स, टू हाइंड लिम्स। तो इनके पास भी ये एव्स भी टेट्रापॉड्स है, इनके पास भी चार लिम्ब है, बट वो दिखाते बाइपेडल लोकोमोशन है। बाइपेडल मतलब क्या, दो लिम्ब से चलने वाले। आपने चिड़ियाओं को देखा होगा, एव्स को देखा होगा, राइट, बर्ड्स को, कि वो दो पैरों से चलते हैं, हम भी दो पैरों से चलते हैं, हम भी बाइपेडल लोकोमोशन है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास सिर्फ दो ही लिम्ब्स है और बाकी ऊपर के कुछ नहीं है, ये कुछ और काम आती है। वैसे ही इनका जो फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब से तो वो चलते हैं, ये हाइंड लिम्ब से वो बाइपेडल लोकोमोशन दिल शो, बट फोर लिम्ब से वो क्या शो करते हैं, इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ऑब्वियसली उड़ने के लिए यूज होता है वो, है ना, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एंड इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेंगुइन्स को देख लिया, पेंगुइन्स तो नहीं उड़ते, तो उनका जो फोर लिम्ब्स है वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली फॉर स्विमिंग ये क्या बन जाती है, फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, उसको तब हम बोलते हैं फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है, फॉर स्विमिंग, परफेक्ट, ओके। नाउ
मोस्टली अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपने स्नेक्स वगैरह देख लिया, रेप्टाइल्स देख लिया है ना, एम्फीबिया देख लिया, तो हमने देखा था कि उनके बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग जो है आपने देखा है कि उनकी मॉइस्ट बॉडी है, राइट, मॉइस्ट बॉडी होती है. क्यों होती है? क्योंकि उनमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है उनके स्किन में, और वो स्किन म्यूकस प्रोड्यूस करके पूरे स्किन को म्यूकस से ढक देता है. इसलिए तो फ्रॉग कैसा नहीं, स्लिपरी नहीं होता है, थोड़ा सा आपने देखा होगा. ये जरूरी है उनके लिए क्योंकि वो लोग ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, मतलब उनके स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है. तो जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है तो हमें उसमें एक कुछ लेयर म्यूकस का होना ही चाहिए, एक फ्लूइड लेयर होना चाहिए, वरना इजीली डिफ्यूज नहीं होगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज आउट नहीं होगा. बट इनको ये करने की जरूरत नहीं है, और इन देखो हमें भी वो करने की जरूरत नहीं है. हम थोड़ी ना स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बट हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है हमारे स्किन में. लेकिन बर्ड्स को ना इतने सारे ग्लैंड्स की जरूरत नहीं है, वो उड़ती है, तो उनके ना बॉडी का वेट बहुत कम होना चाहिए, है ना. सोचो हम उड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं उड़ पाएंगे, ऑब्वियसली हम हैवी है, राइट, लाइक नेचुरली. मैं एरोप्लेन या इसकी बातें नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो ऑब्वियसली वी कांट फ्लाई, बट दे कैन. तो उनको अपनी वेट बहुत कम करनी होती है, राइट. इसके लिए दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सो मेनी ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन, ठीक है. सो कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट यूरोपाइजियल ग्लैंड, या फिर उसको हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं. सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे होता है ये प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट, मैं यहाँ लिखती हूँ. दे आर लोकेटेड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेल. इनकी जो टेल होती है ना बर्ड्स की, बेस ऑफ द टेल, ठीक है, बेस ऑफ द टेल. तो ये टेल में ये प्रेजेंट होती है. बेस ऑफ द टेल का मतलब क्या होता है? सपोज ये बर्ड है, हाँ ये बर्ड है, ओके, और ये उसकी टेल है, लेट्स इमेजिन दैट. तो ये हो गई बेस ऑफ द टेल, यहां से टेल शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे आप वो वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. मैं एक दूसरे कलर से उसको जल्दी से बना देती हूँ. यहाँ पे वो कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड. क्या जरूरत है? बहुत छोटा सा ग्लैंड है. इस ग्लैंड का काम क्या है? दैट दे आर ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ये ऑयल ग्लैंड्स है, और ये ऑयल रिलीज करती है ताकि ये ऑयल उनके पूरे फेदर्स में स्प्रेड हो जाती है और उनके फेदर्स को वाटरप्रूफ बनाती है. आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम बर्ड्स बारिश में भी उड़ती है, उनका अगर जल्दी बहुत देर तक वो नहीं रहती है, बट वो थोड़ी देर के लिए अगर रही तो वो भीगेगी नहीं क्योंकि उनकी वाटरप्रूफ होती है ऊपर का. जब वो धीरे धीरे ऑयल का इफेक्ट चला गया, सपोज एक बर्ड बहुत देर से भीग रही है, ठीक है, तो ऑयल का इफेक्ट चला गया और ग्लैंड्स तुरंत इतना सारा ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर सकता ना एक ही बारी में, तो तब वो फिर वाटरप्रूफनेस चला जाता है ऑब्वियसली, और वो धीरे धीरे भीगने लगती है, तब वो उड़ नहीं सकती है ना क्योंकि उनकी फेदर्स भीग चुकी होती है, ठीक है. तो ये क्या होता है? दे मेक दी फेदर्स वाटरप्रूफ, ठीक है. ये समझ में आ गया आप सबको? वंडरफुल, ठीक है, बढ़िया. Now, perfect, okay, ठीक है. सॉरी मुझे इतने देर तक आपका कुछ दिखा ही नहीं चैट्स, मैं तभी सोचू चैट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सो सॉरी गाइज. ओके ओके, हेलो फाल्गुनी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आई एम सो सॉरी गाइज, आई डिडंट सी दैट. ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ओके. और हाँ जी, ओके, हेलो अमृता, हेलो हेलो मालतेश, हेलो आलोक, बहुत सारे लोगों का ऊपर चला गया, मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि इतने देर तक ना चैट्स बंद थी. आई एम सो सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा था वो. आई एम सो सॉरी गाइस, आई डिडंट सी दैट. अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हो, अभी मुझे दिख रही है वो, ठीक है. ओके, वेलकम वेलकम, वंडरफुल. हाय सुहास, हेलो हेलो, नाइस ऑफ यू टू जॉइन हियर. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते, ओके. नाउ ऑब्वियसली इनकी फोर चेम्बर्ड हार्ट होती है, और कंप्लीट फोर चेम्बर्ड. हमने रेप्टिलिया में क्या पढ़ा था कि उनकी थ्री चेम्बर्ड होती है, लेकिन एक ना हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उनकी पार्शियल एक वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है, पार्शियल, है ना. तो ऑब्वियसली वो मिक्स तो कर ही देता है ब्लड, इसलिए हम थ्री चेम्बर्ड ही कंसिडर करते हैं सिवाय क्रोकोडाइल्स के. क्रोकोडाइल्स ऑल दो दे आर रेप्टाइल्स बट दे हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है. नाउ बर्ड्स में क्या होती है? दे आर हैव कंप्लीट फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है. तो ये हमारी जैसी हो गई, ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इज वाया मेटानेफ्रिक किडनी. तो मेटानेफ्रिक तो हमने रेप्टिलिया से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना. फ्रॉग तक मीजोनेफ्रिक था, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, उसमें सिर्फ ग्लोमेरुलस होती है, पूरी सारी की सारी टिब्यूल्स वगैरह नहीं होती जो हमारे नेफ्रॉन में होती है.
मेटानेफ्रिक में पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं हम पढ़ते, आपकी ग्लोमेरुलस हो गई, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब होती है, ठीक है, एंड दे आर यूरिकोटेनिक क्योंकि वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करती है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाउ अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, बाय द वे गाइस आपकी नोट्स का लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा अभी, ठीक है, अभी या शायद एक दो घंटे बाद आप कर सकते हो सारे नोट्स का, ठीक है जी, वंडरफुल, ओके, हाय हाय मंदा, नाइस, हेलो मालतेश, हाय, हेलो श्रेया, हेलो सुप्रिया, हेलो कौसर, नाइस टू सी यू ऑल हियर, हेलो आलोक, हाँ जी वंडरफुल, चलो आगे बढ़े फिर, ओके, तो हमें अब देखना है कि बर्ड्स की खासियत क्या है, वो उड़ती है, ठीक है, तो हमें वो देखना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो, तो क्या क्या ऐसी पार्ट्स है, क्या क्या ऐसे खासियत है उनके बॉडी में जो उनको उड़ने के लिए हेल्प करता है, सो वी नीड टू टॉक अबाउट फ्लाइट अडेप्टेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एव में, इसी में से क्वेश्चन यूजली वो पूछते हैं, ठीक है, तो देखो स्पिंडल शेप बॉडी होती है, स्पिंडल शेप बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी होती है, मैंने बताया था ना आपको, दोनों साइड में टेपर्ड एंड होती है, एक टेपर्ड एंड इधर एक और, इससे क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है जब वो उड़ रही होती है, ठीक है, एयर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ऑब्वियसली फेदर्स लाइट होती है और उनको उड़ने में हेल्प करती है, वो हवा के फ्रिक्शन को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफाइड फोरलिम्स इनटू विंग्स, ऑब्वियसली अगर विंग्स नहीं है तो उड़ नहीं सकती है, ठीक है। फ्लाइट मसल्स आर अटैच्ड टू कील, ठीक है, इनके पास ना वेल डेवलप फ्लाइट मसल्स होती है, आपने देखा होगा बर्ड्स बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल ईगल्स हो गए, वो बहुत देर तक बिना पंख को ऐसे झपटाए वो बहुत देर तक सिर्फ ग्लाइड कर सकती है, ठीक है। फिर आप स्पैरोज वगैरह या हमिंग बर्ड्स को देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लैप कर रही है अपनी विंग्स को, राइट, तो ये सारे उनके पास वेल डेवलप फ्लाइट मसल्स होती है और ये सारी की सारी फ्लाइट मसल्स अटैच टू समथिंग कॉल्ड एज कील। तो कील क्या है, कील इज नथिंग बट इट इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्टर्नम, स्टर्नम पता है ना आपकी जो चेस्ट जहां पे सारे रिब केजेस आके अटैच्ड होती है, सो दैट इज द स्टर्नम, उनके स्टर्नम से उनकी जो फ्लाइट मसल्स है फोर लिम की वो अटैच्ड होती है, ठीक है, सो इट्स अ हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम, ठीक है, जहां पे सारी फ्लाइट मसल्स अटैच्ड होती है। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन का क्या है, एंडोस्केलेटन ऑब्वियसली बोनी है बट देयर बोन्स, लॉन्ग बोन्स आर ऑल हॉलो बोन्स, सो दे आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या होता है, हॉलो बोन्स, ठीक है। क्यों जरूरी है, ऑब्वियसली ज्यादा अगर डेंसिटी हुई बोन की तो वेट ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा वेट अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला उनको उड़ने के लिए लाइट वेट चाहिए होता है, ठीक है। देन दे हैव अ वेरी शार्प विजन, तो आपने देखा होगा कि वो एक हाइट से उड़ रही है, ईगल एक हाइट से उड़ती है बट उनको नीचे बहुत जमीन पे कितने मीटर के दूरी पे उनको दिख जाता है उनका जो प्रे है, ठीक है, उनका जो फूड है, दूसरे बर्ड्स भी, तो वो कैसे करते, क्योंकि उनके ना उनके आईज में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पेक्टिन, पेक्टिन एक स्ट्रक्चर है जो उनके यूजुअली रेटिना में होता है, ठीक है, बस ये पेक्टिन आप याद रखो, यूजुअली ये नहीं है आपके एनसीईआरटी में बट बाय चांस अगर पूछ लिए कि यूजुअली वो पूछते कि दे हैव अ शार्प विजन, ठीक है, बट सारे बर्ड्स में ये नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कीवीज, जो कीवीज होते हैं ना, कीवी पता है ना, एक बर्ड होता है फ्लाइटलेस बर्ड्स होता है, उनका क्या होता है, उनकी होती है रूडिमेंटरी आईज, वो देख ही नहीं सकती, देर ऑलमोस्ट ब्लाइंड, सो दे हैव रूडिमेंटरी आईज, ठीक है। तो नॉर्मल बर्ड्स जो होते हैं दे हैव वेरी शार्प विजन बट दे हैव अ पुअर ऑल्फैक्शन, मतलब उनकी स्मेलिंग सेंस बहुत ही पुअर होती है, पुअर ऑल्फैक्शन, बट कीवी के साथ उल्टा है, उसे दिखती नहीं है तो उसे एक और सेंस तो चाहिए ना, कोई एक सेंस चाहिए जिससे वो फूड को लोकेट कर सके, तो वो है उनकी स्मेल, स्मेल सेंसेशन, ठीक है। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑल्फैक्शन, ठीक है। हाँ जी क्या हो गया, हेलो हेलो नम्रता, ओके दिस नम्रता, अच्छा ओके, यस यस वंडरफुल वंडरफुल सुप्रिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासाइटिज्म, व्हाट यू ककू बर्ड शो, दे गिव देयर एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रूड पैरासाइटिज्म, ठीक है, बिकॉज दे कांट बिल्ड नेस्ट्स, दैट्स व्हाई दे पुट और यू नो ले देयर एग्स इनटू समवन सम अदर बर्ड्स नेस्ट, ठीक है, ओके वंडरफुल, आई होप यू हैव आंसर, यू गॉट दैट,
या दे आर आलोक दे आर दे उनका जो है ना कीवीज का देयर आईज आर रूडिमेंटरी. आईज तो होती है बट रूडिमेंटरी का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल. तो नॉन फंक्शनल मतलब ऑब्वियसली ब्लाइंड ही है ना, उनको दिखती नहीं है, बट उनकी ऑल्फैक्शन बहुत ज्यादा होती है. ये एक्सेप्शन है, एक ही ऐसा बर्ड है जिनके पास ऐसा है. बाकी बर्ड्स के स्मेलिंग सेंस नहीं होते हैं बट उनकी आईज बहुत शार्प होती है. ठीक है, नेक्स्ट वो एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लडर है ही नहीं. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि दे आर यूरिकोटेलिक मेटानेफ्रिक किडनी है. तो उनकी जैसे ही एक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है तुरंत वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, स्टोरिंग का कोई जगह ही नहीं है. हमारे बॉडी में क्या है कि मेटानेफ्रिक किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर है, तो हम कुछ देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ना अपने यूरिन को, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को. वो ऐसा नहीं करते, वो तुरंत प्रोड्यूस होते हैं, वो उसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जगह नहीं है स्टोर करने के लिए. ठीक है, हाँ जी, वंडरफुल, ओके. तो देखो, लेकिन एक बर्ड है जिसके पास यूरिनरी ब्लडर होता है, ठीक है, तो वो है आपकी अमेरिकन ऑस्ट्रिच. अमेरिकन ऑस्ट्रिच, तो अमेरिकन ऑस्ट्रिच जो है उनके पास यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट होती है. ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रिच उड़ती नहीं है तो उसको लाइट वेट करके क्या फायदा, फेदर्स है, विंग्स है, सब है, बट उनकी बॉडी हैवी होती है और उनको उड़ने की जरूरत नहीं होती है. उनकी बाइपेडल लोकोमोशन इतनी फास्ट होती है, दे आर वेरी फास्ट रनर्स, वेरी फास्ट कर्सोरियल रनर्स. ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनके पास यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट है. ठीक है, वंडरफुल. फिर आता है कि उनकी एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, दोनों ओवरी होती है, राइट एंड लेफ्ट, बट सिर्फ लेफ्ट ओवरी इज फंक्शनल इन फीमेल बर्ड्स. ठीक है, क्यों, अगेन मैंने बोला कि उनको जितना हो सके अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वो इतना सारा ज्यादा क्या बोलते हैं, दो दो ओवरी लेके क्या करेंगी, तो वो एक ओवरी जो राइट ओवरी है ना वो रिड्यूस्ड हो जाता है, हाईली रिड्यूस्ड, मतलब एकदम नॉन फंक्शनल हो गया है, वो वेस्टिजियल हो गया है, बट लेफ्ट वाला ओवरी फंक्शनल है, तो एक से ही वो काम चला लेते हैं. ठीक है, ताकि वेट थोड़ा कम हो जाए, ऑर्गेन जितना होगा बॉडी का वेट उतना ज्यादा होगा. ठीक है, फाइन. देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स और रिजर्वॉयर आर प्रेजेंट इन द बोन्स एंड लंग्स विच प्रोवाइड बायंसी एंड एड एज कूलिंग डिवाइस टू रेगुलेट वार्म बॉडी टेम्परेचर. तो उनकी ना बॉडी में एयर सैक्स होती है, कुछ एयर सैक्स छोटे छोटे रिजर्वर होते हैं जिसमें वो एयर को स्टोर करके रखते हैं. वो बोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, उनके लंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, आई मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा है ना, थोड़ा सा हट जाती हूँ. ठीक है, अब दिख रहा है सबको? हाँ, आई थिंक अभी सबको दिख रहा होगा. वंडरफुल, राइट, करेक्ट, ओके. अब क्या हुआ, दे आर इनकी ये कूलिंग, ये जो एयर सैक्स है क्योंकि वो हवा को स्टोर करके रखती है, मैंने बोला ना वो वार्म बॉडी है और वो बहुत देर तक उड़ रही है एंड ऑल. फिर उनकी बायंसी, उनकी फ्लोटिंग मैकेनिज्म भी अच्छी से होनी चाहिए, तो इन सब के लिए एयर सैक्स हेल्प करता है उनको. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकी जो एलिमेंट्री कनाल है ना, ऑब्वियसली उनकी ईसोफेगस वगैरह होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा चेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि क्रॉप. क्रॉप इज नथिंग बट द स्टमक एंड गिजार्ड. गिजार्ड में क्या करते हैं, वो चर्निंग करते हैं फूड का. मैंने आपको क्या बोला, उनकी जो बीक्स प्रेजेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, सो देयर बीक्स आर डिवॉइड ऑफ टीथ. टीथ है ही नहीं, नो टीथ आर प्रेजेंट, सो बीक्स आर डिवॉइड ऑफ टीथ. तो वो ऑब्वियसली कुछ भी खा रहे उसको वो मतलब ऐसे स्वालो कर रहे हैं एंटायरली. दे आर नॉट चूइंग, दे आर नॉट ब्रेकिंग इट डाउन इंटू स्मॉल पीसेस, राइट. तो ऑब्वियसली उनको अगर लार्ज कुछ, सपोज कोई ग्रेन खाने वाला बर्ड है, जैसे पिजन हो गया, पिजन इज ग्रामीबोरस. ग्रामीबोरस मतलब वो ग्रेन्स खाती है, तो ग्रेन्स तो व्हीट ग्रेन खाया, ऑब्वियसली वो हार्ड है तो उसको टाइम लगेगा ना डाइजेस्ट करने में. तो वो क्या करती है, गिजार्ड में उसकी चर्निंग होती है, तो अंदर जाके मैस्टिकेशन होता है फूड का, बाहर से नहीं होके जाता है. ठीक है, वंडरफुल. एक और चीज भी देखा जाता है, एक बोलते हैं पिजन मिल्क. हमें क्या पता है कि मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ मैमल्स ही करते हैं, बट यूजुअली मेल एंड फीमेल पिजन्स जो है ना वो एक बर्ड मिल्क कुछ प्रोड्यूस, वो मिल्क जैसा दिखता है बट कॉम्पोजिशन अलग है, वो प्रोड्यूस करता है ये क्रॉप से, सिर्फ पिजन करते हैं वो. इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एनसीईआरटी वगैरह का कुछ है नहीं. ठीक है, वंडरफुल. फिर क्या है आपका, एलिमेंट्री कनाल, जेनाइटल ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ये सारे के सारे एक साथ ओपन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोआका. ठीक है, तो क्लोएका इज अ कॉमन पैसेज थ्रू विच योर एलिमेंट्री कनाल एंड योर जेनाइटल ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, दे ऑल ओपन ऑल टुगेदर. ठीक है, ओके.
ऑब्वियसली वो डाइशियस है, कोई हर्माफ्रोडाइट बर्ड तो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, सेक्स के साथ सेपरेट, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है एंड दे आर ऑल ओवीपैरस बिकॉज दे आर एग लेइंग, ठीक है, वो एग ले करते हैं एंड दे आर ऑल एमनियोट्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था एमनियोट्स का मतलब क्या होता है. एमनियोट्स का मतलब क्या होता है, जब फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है. कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है उनके एम्ब्रियो में, एमनियन, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, एलेंटॉइस एंड योक सैक, ठीक है, ये सारे के सारे फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जिस भी एनिमल के एम्ब्रियो में प्रेजेंट है उसको हम एमनियोट्स बोलते हैं. तो कौन कौन है एमनियोट्स, रेप्टाइल्स एमनियोट्स होते हैं, एव्स ऑब्वियसली हमने अभी एव्स का पढ़ा, और मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ये तीनों एमनियोट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन फिशेस एंड एम्फीबिया एनएमनियोट्स होते हैं, उनके पास ये चार एब्स्ट्रामिक लेयर्स प्रेजेंट नहीं है उनके एम्ब्रियो में. गॉट इट, वंडरफुल वंडरफुल, ओके. क्लोएका अलोक इज नथिंग बट कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बोनी फिश ले लिया, बोनी फिश का क्या होता है, उनकी एनस और उनकी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम दो अलग अलग होती है. पहले तो ये बात समझ लो कि एलिमेंट्री कनाल की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, राइट, उसके थ्रू क्या निकलता है बाहर, डिफिकेशन होती है ना, राइट, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल निकलता है, तो एक एनस हो गया, नंबर वन. नंबर टू जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक के थ्रू क्या निकलेगा, ऑब्वियसली इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ले लो, राइट, ह्यूमन का जेनाइटल ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट दोनों सेम है, जेनाइटल ट्रैक से देखो गैमेट्स निकलता है, ठीक है. तीसरा क्या होगा, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां से यूरिन निकल रहा है बाहर. तो ये तीन अलग अलग ट्रैक्ट होती है, जब ये तीनों मिक्स हो गई और तीनों के थ्रू, तीनों एक सिंगल ओपनिंग है जहां से डिफिकेशन भी हो रहा है, यूरिन भी निकल रहा है और गैमेट्स भी निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोएका, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल If you talk about male and human male and female, चलो ये example लेके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है. देखो human female जो है उनके body में तीन अलग अलग opening है, excretion के लिए उनके पास urethral orifice है, ठीक है, gamete release या copulation के लिए उनके पास क्या है, vaginal canal है, right, और तीसरा क्या होगा, anus है, anus के through क्या होता है, defecation होता है. But males में सिर्फ दो opening है, एक क्या है उनकी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जो पीनस है, पीनस कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन मतलब स्पर्म, राइट, दूसरा उनका क्या है, एनस, ठीक है. तो समझ में आया क्लोएका का मतलब क्या होता है, जब ये तीनों एक साथ ओपन होता है, ठीक है, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन नेक्स्ट. ओके, एक चीज तो मैंने बोला नहीं, क्लिडोइक एग्स. देखो एमनियोट्स तो मैंने बोला कि ये चार मेम्ब्रेन जिनके पास होती है वो एमनियोट्स हो गए, बट एमनियोट्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स का एग्स कैसा होता है, कैलकेरियस शेल होते हैं ना, हम लोग ओवीपेरस है क्या, हम ओवीपेरस नहीं है, हम लाइव बर्थ देते हैं, लेकिन हमारे पास ये चारों एक्स्ट्रामरिक मेम्ब्रेन है, लेकिन हमारे हम कोई हम एग नहीं देते, वी डोंट ले एग्स, तो हम लोग का क्लिडोइक एग्स नहीं है. क्लिडोइक एग्स का मतलब क्या होता है कि वेन द एमनियोटिक एग इज कवर्ड बाई कैल्शियम, तो देर इज अ कैलकेरियस शेल प्रेजेंट ऑन द एग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड में भी आपका कैलकेरियस दिखेगा, आप स्नेक के एग्स को देख लो, टर्टल्स के एग को देख लो, तो ऑब्वियसली उसमें भी तो कैलकेरियस शेल है. सो रेप्टाइल्स और एव्स बोथ आर एमनियोट्स विथ क्लिडोइक एग्स, समझ में आया. बट मैमल्स, मैमल्स में सारे क्लिडोइक एग्स वाले नहीं होते, सिर्फ एग लेइंग मैमल्स होते हैं, बाकी सब नॉर्मल एमनियोट्स होते हैं, क्लिडोइक एग्स नहीं है. एंड ऑब्वियसली दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई लार्वल फॉर्म तो नहीं दिखेगी बर्ड में, सीधा अंडे से बर्ड निकली, ठीक है, बेबी बर्ड. एंड दे शो पेरेंटल केयर, वो बिल्ड नेस्ट बिल्ड करते हैं कुछ दिनों तक के लिए, वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं खाना एंड ऑल, ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, तो मैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ जो पूछा जाता है यूजुअली. सो वी हैव हियर, वी हैव दिस पावो. पावो इज वॉट, पावो इज नथिंग बट पीकॉक, सबको पता है, बहुत ईजी नाम है जो आपके लाइक सब मैंने ना क्या बोलते हैं, फ्लाइट वाली बर्ड भी ली है और फ्लाइटलेस बर्ड्स भी ली है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़े. मैंने बोला था कि एनिमल किंगडम से ज़्यादा बियॉन्ड नहीं पूछते वो, ठीक है. फिर ये वाला क्या हो गया आपका, दिस इज नथिंग बट अ पैरट, ओके, पैरट
ओके कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, सीटाक्यूला. ओके सीटाक्यूला. देन वी हैव स्ट्रूथियो, दिस इज नथिंग बट एन ऑस्ट्रिच, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रूथियो. स्ट्रूथियो इज एन ऑस्ट्रिच एंड ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड में आती है, राइट. सो दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. इनके पास फेदर्स है, विंग्स है, बट दे कैन नॉट फ्लाई. देखो इनके पास फेदर वाली विंग है पूरी, ठीक है. सो दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. एक और फ्लाइटलेस बर्ड है, ये रहा यहाँ पे, ये क्या है आपकी, कीवी. कीवी इज नथिंग बट एप्टेरिक्स, इनका साइंटिफिक नेम होता है एप्टेरिक्स. ओके सॉरी दिस इज वाई एप्टेरिक्स, दैट इज योर कीवी. ये भी आपकी फ्लाइटलेस बर्ड भी है. ओके फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस. एंड एक और फ्लाइटलेस बर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज नथिंग बट योर पेंगुइन. बट देखो उनके पास फेदर्स नहीं है, दे डोंट हैव फेदर्स, दे आर हैव फ्लिपर्स. उनका जो विंग है, उनका जो फोर लिम्ब है, वो विंग नहीं बना है, वो फ्लिपर बना है, उनको स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है. हाँ जी अंशिका, बिल्कुल एम्फीबियंस में भी क्लोएका होता है, यू एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है एम्फीबियंस में क्लोएका होता है, आपके कॉन्ड्रिक्थाइस में भी क्लोएका होता है, ठीक है. लेकिन ऑस्टिक्थाइस मतलब बोनी फिशेस में क्लोएका नहीं होता, उनका एनस और यूनिजेनिटल सिस्टम दोनों अलग अलग होता है, ठीक है. वंडरफुल, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा. चलो मैं इसका साइंटिफिक नेम लिख देती हूँ, क्या है इनका, एप्टेनोडाइट. एप्टेनोडाइट मतलब पेंगुइन, ठीक है. सो दिस इज अ पेंगुइन और ये भी फ्लाइटलेस बर्ड ही है, फ्लाइटलेस बर्ड है ये, बट इनकी जो विंग्स नहीं है, इनके पास फ्लिपर्स है. सो इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड विथ फ्लिपर्स इंस्टेड ऑफ विंग्स, ठीक है. बढ़िया, तो ये था आपका पूरा आपके एव्स के बारे में. अब हम मैमिलिया देखेंगे. तो मैमिलिया सबसे लास्ट और सबसे यू नो वेल डेवलप्ड क्लास है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड क्लास है ये. तो मैमिलिया बोलते क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है. और आज रात 7 बजे, ठीक है, हम लोग मेमोरी ग्लैंड का भी पढ़ने वाले, ठीक है. 12th वाला पोर्शन है ना, 7 o'clock. सो वी लर्न अबाउट मेमोरी ग्लैंड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एट 7 o'clock. और 5 बजे हम क्या पढ़ेंगे, आज स्पेशल क्लास में आना है आपको, वहां पे हम ओजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ ओसाइट भी बोल सकते हो, ठीक है. वंडरफुल, ओके. नाउ दे आर ऑल्सो होम्योथर्मिक. सो एव्स भी होम्योथर्मिक है और मैमल्स भी होम्योथर्मिक है, मतलब वार्म ब्लडेड, ठीक है. देन देर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जैसे कि मैंने बोला तभी तो वो मैमेलिया है. देर इज प्रेजेंस ऑफ मैमे, मैमे भी बोलते हैं हम, इसीलिए मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मैमे, इसीलिए वो नाम मैमेलिया आया है. देर इज प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, जो कि अभी तक हमने किसी और क्लास में नहीं देखा. एव्स के पास नहीं था, उसके पास तो फेदर्स थे, राइट. आपने रेप्टिलिया के पास नहीं देखा, आपने एम्फीबिया के पास नहीं देखा, ऑब्वियसली फिशेस वगैरह इनके पास स्केल्स थे. तो हमारे बॉडी में क्या है, वी हैव बॉडी हेयर. सारे मैमल्स के पास बॉडी हेयर होते हैं. अगर आपने एक्वेटिक एनिमल्स मैमल्स ले लिया, सच एज व्हेल्स, उनके पूरे बॉडी में नहीं, लेकिन उनके लिप्स वाले रीजन में होता है. व्हेल्स के, डॉल्फिन और व्हेल्स के लिप वाले रीजन में आपको एक दो हेयर फॉलिकल्स दिखेंगे, ठीक है. यस यस आलोक, इट वुड बी इन द स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास इज इन द ऐप, 5 बजे स्पेशल क्लास में है, ठीक है. वंडरफुल, ओके. देन कम्स डायफ्राम. अब तक हमने रिब केजेस तो देखे, रेप्टिलिया में रिब केज है, आपके एव्स में रिब केज है, लेकिन आपके मैमिलिया में रिब केज के साथ साथ आपकी डायफ्राम भी प्रेजेंट है. इसीलिए इनकी हमारी रेस्पिरेशन बहुत एफिशियंट रेस्पिरेशन है, ठीक है. डायफ्राम क्या करती है, डायफ्राम ऑब्वियसली वी नो इट डिवाइड्स द ट्रंक इनटू थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, और ऑर्गन्स को डिवाइड करती है. एंड डायफ्राम बन किस चीज से होती है, इट्स नथिंग बट अ मस्कुलर लेयर, उसको हम बोलते हैं फ्रीनिक मसल, ठीक है. फ्रीनिक मसल से बनी हुई होती है, ठीक है जी. वंडरफुल, परफेक्ट. नाउ देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम क्या है, कॉर्पस कैलोसम इज नथिंग बट इट इज अ bunch of nerve fibers, बहुत सारे nerve fibers का bunch होता है, white color का दिखता है, attaches, नीचे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, attaches right cerebral hemisphere to left cerebral
हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपको पता है ना, सेरेब्रम जो है वो दो हेमिस्फीयर से बटे हुए, राइट, एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है और आपका राइट हेमिस्फीयर है। इन दोनों को ऐसे अलग अलग घूम तो नहीं रहे इधर उधर, दोनों को अंदर की तरफ से अटैच करता है ये कॉर्पस कैलोसम। वो कुछ नहीं, बंच ऑफ, देखो पूरा इंटायर ब्रेन ही तो बना हुआ नर्व से है ना, ठीक है। तो वैसे ही कुछ बंच ऑफ नर्व्स है तो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है। ये आपको सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, ये मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है जी। वंडरफुल वंडरफुल परफेक्ट ओके यस। अब हमारी जो स्किन है न्यूमरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। कुछ आपकी स्वेट ग्लैंड है, कुछ आपकी ऑयल ग्लैंड है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड को हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। सुडोरीफेरस का मतलब क्या होता है, स्वेट, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। और एक क्या है आपका, एक है आपका सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस। सेबेशियस का मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन हैज लार्ज सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। अगर आपने एक ह्यूमन का ब्रेन डाइसेक्ट करके देखा, एक रेप्टिलिया का ब्रेन डाइसेक्ट करके देखा, और एक आपने फिश वगैरह का ले लिया, एव्स का भी लिया, तो आप देखोगे ऑब्वियसली ह्यूमन या फिर मैमेलिया, जो जितने भी मैमल्स हैं उनकी ब्रेन की साइज ज्यादा बड़ी है बाकियों से, तो स्पेशली सेरेब्रम और सेरेबेलम ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल परफेक्ट यस। देन कम्स योर हेपैटिक एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम हमारे में प्रेजेंट है। देखो पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, लाइक मैं आपको ना यहाँ पे समझाती हूँ, उसे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ समझाती हूँ। देखो पोर्टल का ये हम लोग यूजुअली ना वो ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं पोर्टल सिस्टम, अगर जब ब्लड वेसल पढ़ते हैं ना उस टाइम पे। पोर्टल का मतलब क्या होता है, यूजुअली हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट से अगर कोई ब्लड वेसल जा रहा है बॉडी में तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी, ठीक है। और बॉडी से अगर कोई हार्ट में वापस आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था ऑलरेडी। अब देखो पोर्टल का काम क्या होता है, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाता है बॉडी में ही, वो हार्ट वार्ट से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं मिटा के आपको समझा रही हूँ, जस्ट मेरे को एक मिनट दे दो, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, बना के। ये मैंने इसीलिए पॉइंट ऐड किया, ये पूछा जाता है रीनल पोर्टल पे ना, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि रीनल पोर्टल सिस्टम किस में प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना रीनल पोर्टल सिस्टम आपके एम्फीबिया और फिशेस में प्रेजेंट है, बाकी एव्स रेप्टिलिया और मैमल्स में बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है। मैमल्स में तो है ही नहीं, रेप्टिलिया और एव्स में बहुत पुअरली डेवलप्ड है, और वेल डेवलप्ड होती है आपकी फिशेस एंड एम्फीबिया में, यही पूछते। तभी मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है हमारे में और सिर्फ हेपेटिक एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे आपको पोर्टल का बता देती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपकी ऑर्गन नंबर 2 है और यहाँ पे आपकी ऑर्गन नंबर 1 है, ठीक है, कोई एक ऑर्गन है, चलो मैं ऑर्गन का नाम भी दे देती हूँ, ठीक है। ये जो ऑर्गन है आपका, सपोज ये है स्टमक, ठीक है, और ये जो ऑर्गन है ये है आपकी लिवर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्गन है वो है आपकी हार्ट, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि हार्ट से जब कोई ब्लड वेसल आ रहा है वो आपके स्टमक में जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, कोई आर्टरी हो गई, गैस्ट्रिक आर्टरी सपोज। यहाँ से भी एक आ रही है वो भी आपकी आर्टरी हो गई, ठीक है, आपकी हेपेटिक आर्टरी हो गई। अब लिवर अगर कोई भी ब्लड वेसल को स्टमक तक लेके जा रहा है, सपोज, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट टाइम दे दो मुझे, ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टमक में आर्टरी आई, आर्टरी में पूरी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ गया, आर्टरी आए, ठीक है, हाँ जी। रिवीजन क्या बेटा अंशिका, पहले शुरू तो करना है हमें वो चैप्टर, ठीक है, हम 11th के में पढ़ेंगे वो 2022 वाला का जो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसकी मेंटी क्विज वगैरह भी होंगी, सब होंगी। चलो आर्टरी यहाँ पे आया, अब सपोज स्टमक का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, तो उसने बहुत डाइजेस्ट कर लिया, अब डाइजेस्टेड वाला जो है वो उसको लेके जाएगा लिवर में, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोई भी ब्लड वेसल, ये मैं ब्रीफली समझा रही हूँ, उसका मैं वो पूरा डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट दिखाती हूँ ब्लड वेसल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोई भी पोर्टल, ठीक है, पोर्टल ब्लड वेसल है ये, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस ऑर्गन से इस ऑर्गन में जो जाती है वो यूजुअली नथिंग बट हेपेटिक पोर्टल वेन हो गया, हेपेटिक क्यों, क्योंकि हमने लिवर नहीं लिया यहाँ पे, तो इट्स अ पोर्टल वेन, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है जी। हेलो दिव्यांश, हेलो, नाइस। चलो तो हम
तो हमारे पास सिर्फ हेपेटिक होता है और हाइपोफाइशियल होता है. हेपेटिक तो लीवर से कनेक्टेड है समझ में, हाइपोफाइशियल क्या है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोर्टल सिस्टम मिलता है. ठीक है ओके. अब देखो रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है, रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे में भी एब्सेंट है, पूरा कंप्लीटली एब्सेंट है. बर्ड्स और रेप्टाइल्स में एकदम ही रिड्यूस्ड है, एकदम रिड्यूस्ड है. वेल डेवलप्ड किस में, मैंने बोला पाइसेस और एम्फीबिया में. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाकियों में हमने नहीं देखा है वो है ई न्यूक्लियेटेड आरबीसी. बर्ड्स में भी आरबीसी होता है बट न्यूक्लियस होती है, रेप्टाइल में आरबीसी होता है न्यूक्लियस होती है, फ्रॉग में होता है न्यूक्लियस होती है, लेकिन हमारे में ई न्यूक्लियेटेड है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, ताकि हीमोग्लोबिन को ज्यादा जगह मिले. ठीक है, ज्यादा जगह मिले, समझ में आया, वंडरफुल. ठीक है, फिर ऑब्वियसली वी हैव अ मेटानेफ्रिक किडनी. ठीक है, और हम लोग क्या है, यूरिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यूरियोटेलिक. ठीक है, हम देखेंगे कैसे यूरिया सिंथेसिस हो रहा है ना, आप पढ़ते हो ना यूरिया साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जो हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम ये चैप्टर पे आएंगे एक्सक्रीशन वाले. ओके, नाउ ईयर जो है हमारी, ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर. ठीक है, ईयर पिना ऑडिटरी कनाल आपको पता है, मिडल ईयर, मिडल ईयर में क्या होता है, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है, राइट, एंड इंटरनल ईयर. ये तीन ईयर, इंटरनल ईयर में क्या होता है, कॉकलिया एंड वेस्टिब्यूल. तो मिडिल ईयर में तीन ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या क्या है वो तीन ईयर ऑसिकल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ. वी हैव मैलियस, सबको पता है मैलियस, इनकस एंड स्टिल्स, है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने. तो ये तीन आपके ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ईयर में, तो टोटल कितने होगा आपके, छह हो गए. थ्री ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ईयर, ओके, ईच मिडिल ईयर में होता है. और हमारी एक्चुअल जो ऑडिटरी ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइन, ये भी हम ईयर वाले स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. ठीक है, यस, वंडरफुल, परफेक्ट. देन ऑब्वियसली वी आर ओवीपेरस, मोस्टली ओवीपेरस बोला है मैंने, क्यों, क्योंकि आपको एग लेइंग मैमल्स भी दिखते हैं, एग लेइंग मैमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर फाउंड, जैसे आपकी ऑर्निथोरिंकस, हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे. एंड वी आर ऑल्सो एमनियोट्स, हम भी, मैंने बोला था भी हमारे पास भी चार एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के सबके सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे है. सर्वाइकल वर्टिब्रे पता है ना, यहाँ पे जो होती है आपकी सर्वाइकल नेक रीजन में, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे सारे मैमल्स में होती है एक्सेप्ट फ्यू. कौन है वो एक्सेप्ट फ्यू, देखते हैं वो फ्यू कौन है. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, स्लॉथ. स्लॉथ जो होती है ना, उनकी सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं होती है. ठीक है, देन कम्स यू स्कल. स्कल इज डाइकोंडाइलिक, मैंने ये आपको पिछले बार ही बताया था. डाइकोंडाइलिक स्कल सिर्फ आपको आपकी एम्फीबिया में मिलती है एंड मैमल्स में मिलती है, बाकी में मोनोकोंडाइलिक होता है. एम्फीबिया एंड मैमल्स में आपको डाइकोंडाइलिक स्कल्स मिलता है, स्कल मिलता है. डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल दो होते हैं, दो हुक होते हैं, जो एटलस, एटलस क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, उससे अटैच्ड होता है. ठीक है, वंडरफुल. तो यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिखाती हूँ मैमिलिया का. ठीक है, तो मैमिलिया क्या है, इट इज अ क्लास. ठीक है, सो इट्स अ क्लास. सो क्लास मैमिलिया, इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू सब क्लासेस. ठीक है, दो सब क्लास होती है इनकी. ठीक है, एक उनका क्या होता है, नंबर वन इज योर प्रोटोथेरिया. प्रोटोथेरिया इज द फर्स्ट सब क्लास एंड द अदर वन इज योर थेरिया. ओके, प्रोटोथेरिया का एक ही ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर इज नथिंग बट मोनोट्रीम. प्रोटोथेरियंस जो होते हैं वो सारे के सारे आपके एग लेइंग मैमल्स होते हैं. ठीक है, एग लेइंग मैमल्स. तो एग लेइंग मैमल्स की एग्जाम्पल क्या है, वी हैव ऑर्निथोरिंकस, मतलब आपकी प्लैटिपस, डक बाइल्ड प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस, मैं यहां लिख रही हूँ नीचे. ठीक है, ठीक है, इट इज नथिंग बट योर डक बाइल्ड प्लैटिपस इज द कॉमन नेम. ओके, थेरिया, थेरिया जो है उसकी दो इंफ्रा क्लास होता है, सब क्लास के बाद इंफ्रा क्लास आता है. ठीक है, उसकी दो इंफ्रा क्लास है. क्या क्या है वो दो इंफ्रा क्लास, एक होता है उनकी मेटाथेरिया, वन इज मेटाथेरिया एंड द अदर वन इज योर यूथेरिया, मतलब ट्रू मैमल्स. ठीक है, तो
मेटा था या कौन है, इनमें सारे मार्सुपीलिया आते हैं. मार्सुपीलिया मतलब क्या, मार्सुपियल मैमल्स जैसे कैंगारू हो गया एंड ऑल, ठीक है. सो मार्सुपीलिया है, सो दीज आर ऑल नथिंग बट मार्सुपियल मैमल्स सच एज योर कैंगारू, सच एज योर कोआला, ठीक है. यूथेरियन मैमल्स क्या होता है, दे आर ट्रू प्लेसेंटल प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है. ओके, नोटिफिकेशन फॉर व्हाट रजनीश, किस चीज की नोटिफिकेशन मांग रहे हो आप? क्लासेस की, क्लासेस की आपको मिलती रहेगी यूट्यूब की अगर आप सब्सक्राइबर हो इसके तो, ठीक है. और स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको अगर आप ऐप में हो तो ऑब्वियसली आपको दिखती रहेगी कि किसका क्लास स्केड्यूल्ड है, आप किसी भी क्लास में जा सकते हो, ठीक है. ओके, सो वी हैव एग्जांपल क्या है ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स की, ऑब्वियसली ह्यूमन, ठीक है, बैट्स, फ्लाइंग मैमल्स, देन वी हैव लायन, ओके, वी हैव डियर एंड सो ऑन, ठीक है. सारे के सारे रेस्ट ऑफ जितने भी मैमल्स है इसमें आते, एक्वेटिक मैमल्स भी होते सच एज ऑब्वियसली वेल्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, वेल्स, डॉल्फिन, सारे इसमें आते, एलिफेंट्स, एवरीवन, ओके, परफेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एक एक से मैंने एक एक एग्जांपल ही लिया है, तो ये हो गया आपका नथिंग बट प्लैटिपस. तो ये क्या है आपकी, एग लेइंग मैमल है, इनमें तो प्लेसेंटा बनता ही नहीं है. फिर ये आपकी क्या है, ये कंगारू है, जिसको साइंटिफिकली वी कॉल इट एज मैक्रोपस, ठीक है. मैक्रोपस इज अ साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम इज कंगारू, ठीक है. प्लैटिपस का मैंने पिछले बारी लिखा था, भी क्या था, ऑर्निथोरिंकस, ओके. तो ये क्या हो गया, ये मार्सुपीलिया हो गया. फिर आता है आपका यूथेरिया, ट्रू मैमल्स, ठीक है. तो आपको जिराफ है यहाँ पे, सो दीज आर ऑल यूथेरियंस, ओके. तो वी हैव जिराफ हियर, वी हैव बैट हियर, वी हैव नथिंग बट व्हाट इज दिस, इज अ हेजहॉग एंड दिस इज अ लायन, ओके, वंडरफुल, ठीक है. यही है ना प्लैटिपस का पिक, ये है, ठीक है. आलो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर ऑर्निथोरिंकस और डक बाइल प्लैटिपस, ठीक है, फाइन. अब मैंने बोला था कि कॉर्डेटा के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपके एनसीईआरटी में, तो आपके पास एनसीईआरटी होगा तो जाना पहचाना लग रहा है ये पिक्चर आपको, है ना, ये होगा आपके पास, है ना, ओके. दो तीन ही तो नाम है मिली, दो तीन नाम तो आसानी से हो जाता है. मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि लिखा करो चीजों को बार बार, जितने बार लिखोगे ना दिमाग में उतना घुसता जाएगा, तो लिख लिया करो. तभी तो कम कम मैंने दिया है ना, देखो एक दो ही मैंने दिया है, सबका तो मैंने दिया नहीं है. यूजुअली इतने हाई फाई साइंटिफिक नेम्स वो नीट में नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो परेशान मत हो. हम इसका मेंटी क्विज भी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये वाला जो चीज़ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो मैंने बोला था ना चार जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है. एक क्या होता है, सबसे पहले तो उनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, नंबर वन, है ना. नंबर टू क्या होता है, नर्व कॉर्ड होनी चाहिए बट डॉर्सल साइड में होनी चाहिए, है ना. नंबर थ्री क्या है, उनके पास पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. मैं हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ, ठीक है. तो ये पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए. और चौथा क्या होना चाहिए, उनकी एक पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए किसी भी एक डेवलपमेंटल स्टेज पे, ठीक है, ओके, फाइन. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे. दूसरा यहाँ पे भी ये देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखा हुआ है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के डिफरेंसेस में, ओके. नाउ कॉर्डेटा के तीन पता है आपको सब फाइला है, एक यूरोकॉर्डेटा हो गया, एक आपकी सेफेलोकॉर्डेटा हो गई और आपकी एक वर्टिब्रेटा हो गई. तो उसके भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे. हमने क्या पढ़ा था कि यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, उनकी सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, क्या, लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड होती है. जब वो लार्वा एडल्ट बनता है वो टेल चला जाता है, डीजेनरेट हो, सॉरी, जब वो लार्वा एडल्ट होता है तो नोटोकॉर्ड डीजेनरेट हो जाती है, नहीं होती है उनके बॉडी में, ठीक है. इसलिए यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, यूरो का मतलब क्या होता है, टेल, ठीक है. सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, इनकी नोटोकॉर्ड होती है बट नोटोकॉर्ड हेड रीजन तक भी आ जाती है. यूजुअली नोटोकॉर्ड को सर्वाइकल रीजन तक होना चाहिए. आप देखो ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से प्रेजेंट, कहाँ से शुरू हो रही है, तो इनकी पूरी सेफेलिक रीजन तक आती है, ठीक है. तो इसीलिए उसको सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं. वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स है उनकी जो नर्व कॉर्ड है इट गेट नोटोकॉर्ड है इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. हमारी जो नोट हमारे पास क्या, हमारा बॉडी जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है या बोनी है, बोनी है. और आपकी वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बोनी है, वो तो कार्टिलेज नहीं है क्योंकि नोटोकॉर्ड कार्टिलेज होता है, ठीक है. तो हायर वर्टिब्रेट्स कौन, बोनी फिशेस से लेके कॉर्डेट आपके मेमिलिया तक, सब में नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होके वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, ठीक है, ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, वंडरफुल.
लेकिन अगर आपने देखा कि कॉन्ड्रिक्टाइल्स, वो भी तो वर्टिब्रेटा है, कार्टिलेजिनस फिशेस, लेकिन वो है ही कार्टिलेजिनस फिशेस, तो उनके नोटोकॉर्ड पर्सिस्ट थ्रू आउट लाइफ है, ठीक है, हमेशा नोटोकॉर्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, फाइन। देन आपकी ये दोनों पढ़ ली थी हमने। अब वर्टिब्रेटा के डिविजन दिखाए गए हैं, ठीक है, आपने यूरोकॉर्डेटा उसके हमने पढ़े थे, क्या क्या एसिडिया यूरोकॉर्डेटा था, एम्फियोक्सिस और सेफेलोकॉर्डेटा, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रही हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा का हमने क्या पढ़ा था कि दो डिवीजन, एक एग्नेथा है, एक नेथोस्टोमेटा है। एग्नेथा क्या है, जिनके पास जॉ नहीं है, दे लैक जॉ, देयर जॉलेस फिशेस। नेथोस्टोमेटा, दे बियर जॉस, उनके पास जॉ होता है, ठीक है। एग्नेथा में एक ही है जो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो आपके साइक्लोस्टोमेटा का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रोमाइजन हमने पढ़ा था ना, पेट्रोमाइजन ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्प्रे। एक और हमने देखा था मिक्सिन, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमने देख लिया था। नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास आते हैं, एक होती है पाइसिस इज अ सुपर क्लास एंड टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास। मैंने बोला था कि पाइसिस में क्या होता है, दे ओनली बियर फिन्स, ठीक है, उनके पास सिर्फ फिन्स होती है। नोटोकॉर्ड गेट कन्वर्टेड टू वर्टिबल कॉलम मिली बाय ऑसिफिकेशन। आप जब, हम लोग जब यूजुअली फीटस होते हैं ना, फीटस के बॉडी के अंदर भी कार्टिलेज ही होते हैं। आफ्टर बर्थ बेबी, आप देखोगे कि उनकी लाइक बोन्स वगैरह, मैक्सिमम ऑफ द एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ठीक है, इसलिए बेबी के बॉडी में ज्यादा बोन्स होते हैं। हमारे बॉडी में सिर्फ 200, एडल्ट में सिर्फ 206 होती है, उनकी 300 से ज्यादा ऊपर बोन्स होती है, क्योंकि ये सारी बोन्स ऐसे पार्ट्स पार्ट्स में होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेजेस। धीरे धीरे उन कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल कैल्शियम लेके आता है, तो वो क्या होता है, ऑसिफिकेशन होती है। ऑसिफिकेशन हुआ मतलब क्या हुआ, बोन बन गया वो, ठीक है, ऐसे चेंज होता है, ठीक है, वंडरफुल, ओके। अब हो गया टेट्रापोडा, मैंने क्या, टेट्रापोडा में चार लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पाइसिस के दो क्लासेस है, एक आपकी कॉन्ड्रिक्टाइल्स हो गई, आपकी ऑस्टिक्टाइल्स मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस एंड अ बोनी फिश, और आपकी टेट्रापोडा में क्या हो गई, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है, ओके। अब साइक्लोस्टोमेटा के हमने पढ़ लिए थे, ऑब्वियसली वो जॉलेस फिशेस है, ठीक है, और उनके पास सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स होती है। अनपेयर्ड मतलब क्या, ये देखो एक डॉर्सल फिन है और उनकी कॉर्डल फिन है, ठीक है, डॉर्सल तो एक ही साइड है, बट पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स क्या होती है, वो पेयर्ड होती है, ठीक है, जैसे कि इनके पास है, ये देखो पेक्टोरल फिन है तो उस साइड भी एक और पेक्टोरल होगा, ये देखो पेल्विक फिन है तो उस साइड भी एक और पेल्विक फिन फिन होगा, ये देखो ये इधर जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये एक पेक्टोरल दो फिन हो गए, दो पेल्विक फिन हो गई, ठीक है। तो आपकी कॉन्ड्रिक्टाइल्स ऑस्टिक्टाइल्स में दोनों होती है, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोथ, ठीक है, वंडरफुल, ओके। तो ये कॉन्ड्रिक्टाइल्स का भी कुछ पार्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्ड्रिक्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, बोनी नहीं है। दूसरा, उनकी जो गिल स्लिट्स है वो नेकेड है, उसमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, उनकी माउथ वेंट्रल होती है, ठीक है, अगर ये शार्क है उनकी माउथ यहाँ पे है, और ऑस्टिबोनी फिशेस में क्या होता है, टर्मिनल यहाँ पे है, ठीक है, टर्मिनल माउथ होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने पढ़े थे। ऑब्वियसली उनमें देखो प्लेकॉइड स्किल्स होता है, ये ओपरक्यूलम होता है, एंड मैंने क्या बोला था कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। मैंने बोला था कार्टिलेज में नोटोकॉर्ड हमेशा रहता है, क्यों, क्योंकि कार्टिलेजिनस है, नोटोकॉर्ड भी कार्टिलेज, उसको चेंज ही नहीं होता है कभी बोनी में, ठीक है, ओके। और हमने क्या बोला था कि उनके पास एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं होती है, सो दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ऐसा केस आपके ऑस्टिक्टाइल्स के साथ नहीं है। ये देखो ऑस्टिक्टाइल्स में क्या होता है, इनके पास एक तो ओपरकुलम भी और एयर ब्लडर भी प्रेजेंट है, सो दे कैन मेंटेन बायंसी इजिली, ठीक है, ओके। अब दोनों पाइस आपके ऑस्टिक्टाइल्स और कॉन्ड्रिक्टाइल्स दोनों के पास यूजुअली देयर इज टू चेंबर्ड हार्ट प्रेजेंट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, हमने पढ़ा था, ठीक है। किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ऑब्वियसली टॉर्पेडो, मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ है मतलब बिल्कुल आएगा, ठीक है। किसी किसी के पास पॉइजनस स्टिंग होती है, जैसे कि आपकी ट्राइगोन, ठीक है, ट्राइगोन, ओके, यहाँ पे देखो, ठीक है, ट्राइगोन हो गई, दिख रही है अभी, परफेक्ट, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया इसको, ठीक है, अब दिख रही होगी ना सबको, ओके, अब ये जूम आउट कैसे होता है, चलो हो गया। अब स्कॉलियोडॉन कुछ एक एग्जांपल है, प्रिस्टिस इज अ सॉ फिश, मैंने ये सारे एग्जांपल लिखे थे। कार्शारोडॉन इज नथिंग बट ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड देन वी हैव ट्राइगोन दैट इज स्टिंग्रे।
ऑस्टिक थाइस का मैंने क्या बोला था, एक तो ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों मिलती है, कार्टिलेजिनस सिर्फ मराइन होती है, फ्रेश वाटर में आपको कार्टिलेजिनस फिश नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रेडेशियस मतलब वो प्रिडेटर है, वो प्रे को खाती है ना, हंट करती है वो, इसलिए प्रेडेशियस, ठीक है। हाँ अब मैं बेटा स्लाइड को कैसे बड़ा करूँ, इसलिए मैंने जूम कर दिया था, अगर आप बोलो तो मैं एक और बार जूम करके आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे ही हो सकता है, ओके। हाईलाइट मैं नहीं कर सकती फिर, तो मैं काम करती हूँ सिर्फ कर्सर घुमा के दिखाती हूँ आपको, ठीक है, चलेगा उतना, ओके। तो देखो यहाँ भी ये ऑस्टिक थाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है मैंने बोला, ठीक है, और ऑब्वियसली दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर ऑल कोल्ड ब्लडेड, पाइसेस सारे कोल्ड ब्लड ही होते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, डाइशियस है, फर्टिलाइजेशन क्या है एक्सटर्नल होती है यूजुअली, ठीक है, क्योंकि वो एग बाहर रिलीज करती है। कार्टिलेजिनस में क्या था, उनकी इंटरनल होती थी, और ऑब्वियसली दे आर ओविपेरस एंड दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ एग्जाम्पल है, मराइन में एक्सोसीटस है, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश फ्लाई नहीं करती है, ठीक है, ये मिसनॉमर है, फ्लाइंग फिश जस्ट ग्लाइड करती है फॉर सेवरल मिनट्स अबव वाटर। उनकी क्या होती है, उनकी जो पेक्टोरल फिन्स होती है ना, ऊपर के साइड वाली फिन्स, इट इज मॉडिफाइड इनटू अ लॉन्ग विंग लाइक स्ट्रक्चर, सो दे कैन जस्ट ग्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। वो बहुत देर तक ऐसे उड़ नहीं रही होती, वो जस्ट ग्लाइड करती है, ठीक है, ओके, वंडरफुल। फिर हो गया हिप्पोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स, दिखने में वो हॉर्स के शेप का होता है, इसीलिए सी हॉर्स बोलते हैं उसको। फ्रेश वाटर के कुछ एग्जाम्पल जैसे लेबियोरोहिता, रोहू, कैटला कैटला, दैट इज कैटला फिश, क्लैरियस मागूर, इट इज अ कैट फिश, ये कैट फिश है, ठीक है। कुछ एक्वेरियम के फिशेज जो हम यूज करते हैं, जैसे फाइटिंग फिश हो गया बीटा, देन वी हैव टेरोफाइलम विच इज एन एंजल फिश, ठीक है। अब आ गई आपकी एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन, चलो एम्फीबियन का क्या है, सबको पता है एम्फीबियन भी पोइकिलोथर्मिक है, ठीक है, एम्फीबियन भी पोइकिलोथर्मिक होता है, ओके। और हमने क्या पढ़ा था, उनकी क्या तीन चेम्बर्स होती है हार्ट की, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है, या नॉट फ्लैट्स अशोक, फ्लाइंग फिश दे कैन ग्लाइड ओवर वाटर, ग्लाइडिंग और फ्लाइंग में डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ एम्फीबिया हो गई, ठीक है, एम्फीबिया का मैंने आपको बताए थे, तो वो भी ओविपेरस होते हैं, है ना, सिर्फ एक ही एम्फीबिया है जिसके बॉडी के बीनिथ स्केल्स है, बाकी एम्फीबिया में प्रेजेंट नहीं होती, मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको सिसिलिया, ठीक है। तो उसके सारे मैंने पिछले वाला प्लीज एक बार वीडियो जाके देख लेना, जिसको भी डाउट है वो एक बार देख सकता है, वो चीज़ उनको समझ में आ जाएगा वो, ओके। नेक्स्ट कम्स योर रेप्टिलिया, ठीक है, तो मैं ये एक भी एक बार करके दिखाती हूँ। तो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का क्या है, ऑब्वियसली रेप्टाइल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर क्रीपिंग और दे क्रॉल, उनका मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होता है, दे क्रॉल यूजुअली। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, जब उनका जो चेस्ट है, किसी भी एनिमल का चेस्ट जब सरफेस में टच होते हुए जाता है उसको क्रॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वो टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली, एक्वेटिक कौन है आपकी, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड टर्टल्स, और उनकी एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है। देखो फिशेस में भी एपिडर्मल स्केल्स है, ठीक है, ओके, फिशेस में भी एपिडर्मल स्केल्स होती है और आपकी रेप्टाइल्स में भी एपिडर्मल स्केल्स होती है। एम्फीबिया में स्केल्स एब्सेंट है सिवाय सिसिलिया के, और उनका स्केल्स का है स्किन के बीनीथ है, मतलब एपिडर्मिस में तो नहीं है, कहाँ, डर्मिस में है, ठीक है, ओके, फाइन। अब क्या हुआ, ये देखो एपिडर्मल स्केल्स को इनके स्क्यूर्स भी बोलते हैं हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो ये टर्टल का स्केल और स्नेक्स का स्केल, अगर आपने दोनों को कंपेयर किया तो इसकी स्केल ज़्यादा थिक है, इसकी स्केल कम है, तो ये कितना बड़ा स्केल है, देखो, है ना, बहुत सारे स्केल जुड़ के बना इतना थिक, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरापेस, तो दैट इज नथिंग बट अ कैरापेस। तो सिर्फ ऊपर में होती है, अंदर नीचे वेंट्रल साइड में भी होती है, उसको प्लास्ट्रॉन बोलते हैं यूजुअली, ठीक है, बट यहाँ जरूरी नहीं है, तो टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। उनके भी थ्री चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, देखो थ्री चेम्बर्ड, यूजुअली थ्री चेम्बर्ड, बट फोर चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, एंड रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक्स, ठीक है, स्किन्स एंड लिजर्ड, स्नेक्स एंड लिजर्ड, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्डाइसिस, ठीक है, शेडिंग ऑफ देयर, हेलो शशि, हेलो शशिकांत, ओके ओके फाइन, ये हो गया। दे आर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है, और वो भी ओविपेरस है, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वल फॉर्म्स आपको नहीं दिखता है रेप्टाइल में, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, शेलॉन मैंने दिया था, दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो इज टॉर्टॉइस, कैमेलियन इज ट्री लिजार्ड, ठीक है, कैलोटिस इज गार्डन लिजार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, ये कैलोटिस है, सॉरी ये कैमेलियन है, कैलोटिस नहीं है, कैलोटिस अलग होता है, जो गार्डन लिजार्ड दिखती है ना आपको कभी कभी, है ना, ग्रे ग्रे कलर की होती है, थोड़ी यहाँ पे रेडिश होती है, वो होती है आपकी गार्डन लिजार्ड, ठीक है, कैलोटिस, ओके, वंडरफुल। देन वी हैव ऑफकोर्स क्रोकोडिलिया,
क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटरी बोलते हैं उसको साइंटिफिक नेम, हेमीडैक्टाइलस क्या है आपका जो हाउस लिजर्ड होता है ना वॉल लिजर्ड उसको हेमीडैक्टाइलस बोलते हैं। कुछ स्नेक्स है जैसे कोबरा पॉइजनस स्नेक्स है, बैंगरस दैट इज क्रेट आपकी वाइपेरा एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी एप्स जो हमने आज ही पढ़ा, तो मैंने क्या बोला था उनमें फेदर्स प्रेजेंट होना चाहिए बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू फ्लाइट, ठीक है। हेलो सुभाश्री, नाइस टू सी यू हियर, हेलो, ठीक है। फेदर्स प्रेजेंट होती है और उनमें बीक्स प्रेजेंट होती है, लेकिन बीक्स मैंने क्या बोला टूथलेस होती है, उनमें कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए चर्निंग और मैस्टिकेशन कहाँ होता है गिजार्ड में, ठीक है। फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स मैंने बताया था, एंड हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ठीक है, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ऑब्वियसली पर्चिंग के लिए जब वो पर्च करती है किसी ब्रांच के ऊपर तो इसकी जरूरत होती है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं हम उसको यूरोपाइजियल ग्लैंड, है ना, ओके। एंडोस्केलेटन जो है उनकी फुल्ली ऑसिफाइड है, एंड जो लॉन्ग बोन्स है इट हैज एयर कैविटीज जिसको हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। बाय द वे हमारी बोन्स फुल्ली ऑसिफाइड नहीं है, अगर फुल्ली ऑसिफाइड होती ना हमारी ह्यूमन की बोन्स या मैमल की बोन तो बोन मैरो कहाँ होता, ठीक है, तो वो हमारी फुल्ली ऑसिफाइड नहीं है, कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर बोन मैरो है हमारा, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, मैंने आपको बताया था। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चेंबर्ड एंड दे आर वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मिक, ठीक है, एंड दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इसीलिए, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है इनका, रेस्पिरेशन इज वाया नथिंग बट लंग्स, ठीक है, तो यहाँ उनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो वाया लंग्स होती है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है। सेक्सेस जो है इट इज सेपरेट, ऑब्वियसली दे आर डाइशियस, फर्टिलाइजेशन उनकी इंटरनल है, ठीक है, हाँ नहीं फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग्स हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दे रिलीज देयर एग्स इन द वाटर, ओके, एंड वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है उनका, ठीक है, वंडरफुल। एयर सैक्स, अब देखो एयर सैक्स होती है मैंने बताया था, एयर सैक्स या रिजर्वॉयर्स बोलते हैं, ये क्या करती है एयर को स्टोर करके रखती है, तो इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनको बायंसी देती है, उनकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि वो इतना स्पीड से उड़ रहे होते हैं, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ रहे होते हैं, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, डाइशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज आपको नहीं दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे क्रो कॉर्वस, कोलम्बा इज नथिंग बट योर पिजन, सिटाक्यूला मैंने बताया था पैरट, स्ट्रुथियो इज ऑस्ट्रिच, पावो इज पीकॉक, एप्टेनोडाइट इज पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन इज वल्चर, ठीक है, ओके। अब आगे आपकी मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स क्या क्या होता है मैंने अभी बताया, क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम या मैमे बोलते हैं, तभी उनको मैमल्स बोला जाता है, ठीक है। अब मैमल्स की बहुत वैरायटी होती है, कुछ एक्वाटिक मैमल्स आपको दिखेंगी, फॉर एग्जाम्पल व्हेल्स डॉल्फिन्स, कुछ आपको एरियल मैमल्स दिखेंगे जो उड़ रहे होते हैं बैट्स, ठीक है, कुछ कार्निवोरस मैमल्स होते हैं जैसे आपके लायंस हो गए, डॉग्स, कैट्स, टाइगर, दीज आर ऑल कार्निवोरस, कुछ आपको हर्बीवोरस दिखेंगे, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ठीक है, ओके, एंड मोस्ट डेवलप्ड ऑफ देम इज नथिंग बट द ह्यूमन, ठीक है, ओके। अब मैमल्स में हेयर होती है, मैंने आपको बताया कि मैमल्स दे पजेस हेयर ऑन देयर बॉडी, और किसी क्लासेस में ये नहीं दिखता है, ठीक है। एयर सैक्स, इंद्रा मैंने, आप लेट आए हो, मैंने पहले ही बताया था, एयर सैक्स आर रिजर्वॉयर लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज रिजर्वॉयर्स आर प्रेजेंट ईदर इन द लंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड ऑल्सो इन द, नॉट ईदर, दोनों में होता है, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होता है उनके बोन्स में, और वो एयर सैक एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो एयर को स्टोर करके रखती है, ठीक है, वो इट एक्ट एज अ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर देम एंड इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू मेंटेन बायंसी, और कूलिंग एड भी है उनके बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अगर उनका बॉडी तो एयर सैक फिर ठंडा करने में हेल्प, उनके अंदर जो एयर स्टोर होती है वो बॉडी को ठंडा रखती है, फिर टेम्परेचर को फिर कॉन्स्टेंट रखती है वार्म ब्लडेडनेस को, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर मैंने बोला था, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है उनका, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, मिडिल भी होता है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हियरिंग में हेल्प करते हैं, ऑडिटरी है, या तीन ईयर ऑफ सिकल्स में मैंने बताए थे, वो बाकियों में नहीं होता है। फिर अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट होती है, हेटरोडॉन्ट हमने पढ़ा था ना टीथ का रिसेंटली, ठीक है। हार्ट फोर चेंबर्ड है, होमियोथर्मस है, रेस्पिरेशन इज वाया लंग्स, इसीलिए बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेशन है। सेक्सेस उनके सेपरेट होते हैं, ठीक है, एंड देयर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये विवीपैरस भी है और कुछ ओवीपैरस भी है, ओवीपैरस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल ऑर्निथोरिंकस यहाँ लिखा हुआ है, देखो प्लैटीपस भी बोलते हैं, बाकी सारे आपके विवीपैरस ही है, ओके।
अब यहाँ पे एक नीचे टेबल दिया हुआ है, आप सबके पास एनसीईआरटी होगा तो आप इस टेबल को वहां पे जाके एक और बार देख लो। इसी टेबल की मैं बात कर रही थी, अगर आपको तुरंत पढ़ना है ना कि यार मैम इतना कैसे याद रखेंगे हम, तो कुछ नहीं, फाइलम एक जगह पे लिखा हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबका क्या क्या है अलग अलग लिखा हुआ है, सिमेट्री लिखी हुई है, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, और कुछ पिक्यूलियर फीचर्स लिखे हुए हैं, तो ये आप एक बार जाके पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि अभी आपका आई थिंक मैं कल आपका मेंटी लेने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। मैंने टॉपिक बता दिया, मैंने बोला था एंड ऑफ द स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है आपको? तो कल लेने वाली हूँ मैं वो, और आई थिंक आपका मंडे को, एक मिनट ना, जस्ट अ सेकेंड, मंडे को आपका मैं मेंटी क्विज लूंगी एनिमल किंगडम पे, ठीक है? तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बहुत दिन पहले ही बोल दिया, तो आई होप आप प्रिपेयर हो क्या होगे, ठीक है? मेंटी क्विज आपका होगा एक मंडे को, कमिंग मंडे को, किसके ऊपर? एनिमल किंगडम, जो हमने आज खत्म कर दिया, पूरा एनिमल किंगडम हो गया है, ठीक है? कल से हम शुरू करने वाले एनिमल टिश्यू, ठीक है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, उसके दो पार्ट्स है ना, एक एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है और एक आपका क्या पार्ट है, नथिंग बट कॉकरोच, जो हम टाइप स्टडी करते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो एनिमल किंगडम का क्योंकि ये खत्म हो गया, इसकी मेंटी मैं मंडे को लूंगी, ठीक है? और कल कौन सी मेंटी है? कल भी आपकी मेंटी होगी, टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, टाइमिंग है कल आपकी मेंटी की 8:30 से 9:30 रात को, 8:30 to 9:30 PM, क्योंकि आपकी शायद 8 बजे तक क्लासेस हो रही होती है ना, तो सारे क्लासेस खत्म करके आधे घंटे में पानी वानी पी के आराम से आ जाना, फिर हम मेंटी करेंगे। आधे ज़्यादा नहीं, आई थिंक यू नो 30 मिनट्स to 45 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तो पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलो गाइस, सी यू देन एट 5 o'clock, स्पेशल क्लास में आना है सबको, वहां मैं आज ऊजेनेसिस पढ़ाऊंगी। अगर आपने ऊजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आज नहीं समझा तो 7 बजे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 7 को मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, आता ही है क्वेश्चन, ठीक है? एक दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं, ठीक है? चलो गाइस, सी यू देन, और आई थिंक लिंक 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी, PDF की आपको मिल जाएगी, ठीक है? जितने भी लेक्चर्स हुए उनके, चलो सी यू देन। और आपको जाने से पहले पता है आपको कि नीट एन अकेडमी लर्निंग ऐप, ऑब्वियसली आज आप स्पेशल कोर्स करने आ रहे हो तो भूलना नहीं है, आपको एन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लीजिए तुरंत, और वहाँ पे जाके आपको ऐसे ऑप्शन मिलती है, ठीक है? आपको ये ऑप्शन दिख रही है, प्लस फ्री कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस, तो फ्री कोर्सेज में आप आ सकते हो, वहाँ पे मैं क्लासेस ले रही होंगी, ठीक है? प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर ही होती है तभी तो, है ना? तो नीट UG सिलेक्ट कीजिए, गेट द सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 2500 per month अगर आप 12 months के लिए ले रहे हो, एक ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए ले रहे हो तो और कम हो गया, 1500 per month। और आपको ये वाला जो कोड है, ये वाला आपको अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है? तो आपको 10% off मिलता है, ठीक है? ये अप्लाई करो तो आपको 10% off मिलता है, यहाँ पे देखो, ठीक है? मेरा नाम SWAGATA, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं 5 o'clock ऐप में, ठीक है? स्पेशल क्लास के लिए, टेक केयर गाइज एंड सी यू, बाय बाय।